नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं कि दरभंगा से 7 विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी के जीतने की जो हमारे पास जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें 7 जगह से पूरी तरह जो महागठबंधन है उसके प्रत्याशियों की जीतने की बात है, और 3 जगह में रस्साकसी चल रही है। हालांकि 3 जगह से जो हम बात कर रहे हैं वहाँ NDA प्रत्याशी बढ़त ले सकते हैं, जिसमें एक जाले, एक बेनीपुर और एक गौराब्रह्म, 3 जगह NDA प्रत्याशी की बढ़त की हम बात कर रहे हैं। वहीं दरभंगा का शहरी विधानसभा का पेच अभी तक फंसा हुआ है। तो हम बता दें, हमारे साथ चीना जी हैं जो लगातार दरभंगा शहर के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और चुनाव के टिकट वितरण से लेकर के मतदान के बाद तक ये लगातार सक्रिय रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। आपका स्वागत है चीना जी। धन्यवाद मंच पर, न्यूज पर, और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों की जो सक्रियता रही और दरभंगा की जनता को जो सही तरीके से जो सही चीज़ था आप लोगों ने अवगत कराया, इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। खुशी तो आपकी हो रही होगी क्योंकि लगातार सरकार आपकी बनने जा रही है, ये जो स्थिति आ रही है, तो क्या लगता है कि आप अनुमान किए थे कि इतनी बड़ी जो बहुमत है, जो इतनी अधिक सीटों की क्या आपने कल्पना की थी? लालू जी भी नहीं है। नहीं, इसलिए कि हम लोगों को पहले लोग कहते थे कि MY का समीकरण है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो A to Z की पार्टी है। हमने कहा दलित, कहा पिछड़ा, कहा अकलियत, कहा स्वर्ण जाति के जो कमजोर तबके के लोग थे, सारे लोगों का एक समीकरण बना करके, और हमने इस दफा दरभंगा जिला में कोशिश किया कि सारी जगह उस सारे लोगों को उस समीकरण के मुताबिक दिया जाए। और आज की तारीख में जो हमारी जीत का जो सेहरा आप लोग दे रहे हैं या जो दिखाया जा रहा है, उसका एक कारण ये है कि सारे लोगों ने, जो समाज का वंचित व्यक्ति था, चाहे वो जिस जात का भी रहा हो, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हम लोगों को हिस्सा लिया, और आने वाले दिन में जो हमारी उसी का परिणाम है कि हम लोग की सरकार बनेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने सभा में देखा होगा तेजस्वी यादव खुद अकेले इस बार सभी जगह गए, ना राबड़ी देवी गई, ना मीसा भारती गई, ना राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता गया, तो क्या लगता है सबको इग्नोर करते हुए तेजस्वी यादव खुद अपने तरीके से उन्होंने मंच पर सभी जगह भाषण दिया, सभा की उन्होंने? नहीं, असल में क्या है कि तेजस्वी यादव हम लोगों का एकमात्र चेहरा थे। हम लोगों को ये दिखाना था, जनता को ये बताना था कि आप जनता को ये देखे कि आपका मुख्यमंत्री कैसा होगा। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे लीडर हमारे थे, 40 आदमी हमारे पैनल में थे, लेकिन उस पैनल में देखा कि जनता की मांग तेजस्वी यादव ही है। और नौबत ये होता था कि आप देखा होगा कि एक दिन में दरभंगा में 4 जगह अगर भीड़ है तो चारों जगह की भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही थी, जनता अपने आप उभर करके आ रही थी, सिर्फ इसीलिए कि हम अपने आने वाले मुख्यमंत्री को देखें। चले, बहुत अच्छी बात। हमारे साथ चुनाव जी, और हम विश्लेषण करेंगे, जहाँ गौर से हमारे इस कार्यक्रम को दिखेगा, क्योंकि हमने जो विश्लेषण किया उसमें 7 विधानसभा की सीटें हम बढ़त हम जो दे रहे हैं वो हम महागठबंधन को दे रहे हैं, और 3 में जो है वो NDA को जा रहा है। हालांकि एक जगह जो पेज फंसा हुआ उस पर भी हम बात करें, क्विटी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ क्विटी का कैसे विश्लेषण करते हैं, हमारी जो विश्लेषण है उसमें मुरारी मुंझा आगे चल रहे हैं आप? नहीं, असल में ये है कि आपकी जो बात है, वहाँ बिहार का एक कद्दावर नेता जो समाज में जो दलित व्यक्ति था, पिछड़ा व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, उसकी आवाज़ को अलीनगर विधानसभा से उन्होंने जो विकास की धारा बिहार के अंदर और अपने विधानसभा में बहाया, जनता ने, क्योटी की जनता ने, चाहे वो जिस जाति का हो, आप हमको एक समीकरण की बात करते हैं, वहाँ चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जादव हो, चाहे स्वर्ण जाति का ब्राह्मण जो दलित हो या पिछड़ा हो, ये सारे लोगों ने एकमुट होकर के व्यक्तिगत तौर पर उनके उसकी हालत को देखते हुए लोगों ने उनको वोट देने का काम किया। यादव वोट बटा हुआ है वहाँ पर? नहीं, यादव का अशोक यादव वहाँ से नहीं, अशोक यादव का वोट जो था वो कहा नहीं कि वो अब वो समीकरण, क्योंकि लोग ये देख रहे थे कि हमको बेरोजगारी से लड़ना है, हमको भुखमरी से लड़ना है, हमको इस देश में सही तरीके से सही आदमी का नेतृत्व करना है, चुनाव सही करना है। राम नरेश जी नाराज थे वहाँ से? नहीं, राम नरेश जी का वो क्षेत्र, फातमी जी भी अंदर ही अंदर चाह रहे थे कि क्षेत्र हार जाए। राम नरेश जी तो एक चाणक्य की तरह तेजस्वी अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ साना बसाना मिला करके काम कर रहे थे,
टिकट के लिए हर कोई एक आकांक्षा ही होती है कि हमको टिकट मिलना चाहिए। जब टिकट नहीं मिलता है तो वो लोग पार्टी से कोई खराब थे नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी थी कि उन्होंने देखा कि हम अगर ये करेंगे तो हमको आने वाले दिन में, क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए सारे के सारे लोग एकजुट। फैक्टर नहीं काम किया, वहाँ कोई फैक्टर नहीं काम किया, क्योंकि वोट बैंक किसी का नहीं है। अगर फातमी साहब भी अगर इस जमीन पर नेतागिरी कर रहे थे और उनका अगर पहुंच था तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जो उसकी जो लड़ाई थी उसके ये कर्णधार बने थे, उनका ये मसाल हुए थे, इसलिए इनको लोग चुन रहा था। लेकिन आने वाले दिनों में इन लोगों ने ये दिखाया कि आप जैसे लोग जिसको लालू यादव ने जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया, आप अलग हो सकते हो लेकिन हमारा जो धारा है हम उस धारा के विपरीत नहीं जाएंगे। आपके हिसाब से कितने वोट से आप जो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मुरारी मोहन, आप कितने वोट से कह रहे हैं कम से कम करेंगे? यहाँ लड़ाई हमारी जितनी जगह भी हो रही है हम हार कहीं नहीं रहे, बकौल आपके आपको बड़ा नजर आ रहा हूँ। हमारी लड़ाई ये हो रही है कि हर विधानसभा में हम लोग ये परसेंटेज ऑफ वोट मार्जिन ऑफ जीतने का बढ़ाने के लिए हर लोग लड़ाई है। हमारी लड़ाई वहाँ एक तरफा है, वहाँ कहीं कितने से आप वहाँ कम से कम 25 से 40 हजार के बीच में हम जीतेंगे। चलिए ठीक है, अब हम आपको आते हैं दरभंगा शहर। दरभंगा शहर में पेच फंसा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जोशो गामी जी जीत सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि संजय सरावगी जीत सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि गामी जी जीतेंगे? देखिए, हम जो पिछली बार आ रहे थे 6000 वोट से आ रहे थे, ठीक, समीकरण के मुताबिक उस वक्त हमारे साथ जदयू भी था, हम हार गए। लेकिन हमारे यहाँ अभी का जो हालत है वो नौबत ये है कि चाहे कहा नहीं कि मैंने कहा कि अभी अभी ये जाति प्रथा पे कोई नहीं गया, ये देखा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि मैं 10 लाख क्योंकि एक जुमलेबाज सरकार, एक पलटू सरकार के खिलाफ में इस बार नीतीश जी का जो वोट था वो सब आपके साथ था, वो इस बार ट्रांसफर हो वो एकदम नीतीश के पास भाजपा में ट्रांसफर हो गया, उसको कैसे वो टूट गया, उनका समीकरण बर्बाद हो गया। चाहे वो छोटी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सारे के सारे लोग, अकलियत का लोग हो, दलित बने, सारे के सारे लोगों ने इस दफा जो है उस गामी को वोट देने का काम किया। लोगों ने गामी को देने का काम, वोट बैंक काम नहीं आया, कोई किसी का वोट का बैंक काम नहीं आया। सेंटिमेंटल में बोले कि जो सोहामा अंतिम है उसके बाद जो उनका वोट बैंक एकजुट हुआ वो काम नहीं आया, कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने तो कर दिया, पहले ही तुम इसमें हरा चुका था। यहाँ तो लोगों ने कहा कि भैया आप अब आप कुछ कर लो, हम लोग तो आपको विदाई चाहते हैं। चलिए ठीक है, कितने से आपके हिसाब से कितने से गामी को ले? हम यहाँ कम से कम 10 से 15 हजार जीतेंगे। चलिए ठीक है, 10 से 15 हजार से। बहादुरपुर की बात कीजिए, बहादुरपुर में आर के चौधरी हैं, पहले भोला यादव का क्षेत्र रहा है, मदन सहनी वहाँ के मंत्री रहे हैं जदयू के, वहाँ का समीकरण तो साफ बता रहा है कि मदन सहनी जीत रहे हैं। मदन सहनी का आलम यह है कि वहाँ जो उनके वोट बैंक है, जैसे उनका ये सोच था कि जो ब्राह्मण वोट है, स्वर्ण वोट है, वो हमारे साथ होगा, लेकिन बदकिस्मती से स्वर्ण वोट वहाँ 3 जगह डिवीजन हो गया, पिछड़े का वोट और सारा वोट एक साथ हो गया, अकलियत और यादव का वोट सब जगह वनसाइडेड हो गया, और जो समाज का दबी जो ब्राह्मण का वोट जो कारण जो स्वर्ण जाति था, गरीब जाति था, राजपूत जाति था, उनसे ये देखा कि नहीं हमारा रहनुमाई कोई आपको देख करके वोट नहीं किया, वोट लोगों ने तेजस्वी यादव को देख के किया कि ये उसमें जो गुण है वो लालू यादव का सारा गुण है, और जो क्योंकि समाज का जो वंचित व्यक्ति है उसको आगे कुर्सी पे लाने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो है तेजस्वी यादव। तो लोगों ने वर्चर के हिस्सा लिया और समीकरण। आपका कहना है कि वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है? कोई संघर्ष नहीं है, आपने कहा कि त्रिकोणीय बट गया, वोट बटा, जैसे बटा वो त्रिकोणीय हो गया? नहीं, बटा क्या मतलब कि वोट कठुआ हो गया, नॉट समीक के तो नहीं काटा, उसका काटा, उसका काटा, हमारा नहीं, हमारा वोट में कहीं कोई डिवीजन नहीं हुआ। और वो जो गरीब गुरबा था वो चाहे जीत जाता, मैंने दलित आपका नहीं था वोट, नहीं दलित भी मेरे साथ, तो आपने कैसे कह दिया दलित वोट कट गया? नहीं दलित नहीं, मैंने कहा कि स्वर्ण जाति के जो वोट थे वो डिवीजन हो गए, दलित तो गिरा है चिराग पासवान के कहने के बाद, तो दलित तो गिरा है, वो गिराया है, तो उसका जो वोट है वो एक अलग मामला रखता है। हमारे वोट में कहीं कोई डिवीजन नहीं हुआ, उनका बहादुरपुर भी जीत रहे हैं। हाँ, एकदम हर हालत में। कितने से आप जीत रहे हैं ये बता दीजिए? कम से कम 15 से 20 हजार वोट से। 15 से 20
चलिए अब हाया घाट की बात करें। हाया घाट में तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी भोला यादव जी की, पहले वहाँ से पप्पू जी खड़े हो गए थे, मुन्ना खां खड़े हो गए थे, पप्पू यादव लगातार कैंप कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है सो गीता देवी थी जो राष्ट्रीय जनता दल की थी वो भी उम्मीदवार हो गई थी, तो आपको चारों तरफ से वहाँ घेरा गया था भोला यादव जी को, कैसे आप करेंगे जीत रहे हैं? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैंने भोला यादव जी के लिए हरे कृष्ण यादव विरोध कर रहे थे, अंदर भी विरोध, मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि भोला यादव के लिए मैं वहाँ कैंप कर रहा था कुछ दिन तक, और हमने वहाँ देखा कि जो अकलियत का लोग था, चाहे वो यादव का लोग था, चाहे वो छुटका पिछड़ा जो भी लोग था, वो कभी बटना नहीं चाह रहा था, फॉर्मिलिटी के तरीके से जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे उनके साथ वो जुड़ जा रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि परिपेक्ष में हमको जाना कहाँ है, और क्योंकि ये देख रहा था कि हमको बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है, लालू यादव ब्राह्मण वोट तो ट्रांसफर हो गया फिर बीजेपी पर, जो नाराज चल रहे थे वो तो ट्रांसफर हो गया, उन्होंने आखिरी वक्त में कोशिश किया, आखिरी वक्त में कोशिश किया, लेकिन उसके बदले में उनकी वोट को मैंने वो जज्बा नहीं रहा जो वोट उनको गिरा सकता था, हमारे वोट का जज्बा परसेंटेज ऑफ वोट आप हमारा देखिएगा तो हमारा परसेंटेज ऑफ वोट हर बूथ पे ज़्यादा है, और हम इसीलिए वहाँ भारत हर हालत में मनाएंगे। और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि मैं जब कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, अशोक राम लड़े थे, तो हम पूरे 6 पार्लियामेंट में समस्तीपुर के हम वहीं 400-500 वोट से जीते थे, इसलिए वहाँ मेरे हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और नौबत क्या हुआ कि जो लोग मैंने आपके हिसाब से भोला यादव जीत रहे हैं हर हालत में जीतेंगे, कितना से जीत रहे हैं ये बता दीजिए, ये भी बताइए कितना से जीत रहे हैं? कम से कम 20,000 से जीतेंगे। चले हम देखेंगे, चूंकि चिन्हा जी एक वरीय नेता भी हैं और पूरा तरह विश्लेषण भी करते हैं, सभी क्षेत्रों में घूमे भी हैं, तो अलीनगर में क्या स्थिति? अलीनगर में तो पहले नाराजगी था कि विनोद मिश्रा जी को रहे, वहाँ हमने घूमा जाके जनता कह रही थी कि सिद्दकी जी का क्षेत्र छोड़ के चले गए इसलिए उनको दुख है, तो उनके ऐसा कैंडिडेट नहीं है, तो वो कह रहे थे कि विनोद मिश्रा जी को अगर जिता देंगे तो फिर सिद्दकी जी नहीं आएंगे, हम चाह रहे हैं कि विनोद मिश्रा आ जाए, तो वहाँ से तो मिश्रीलाल यादव लीडिंग में जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपको मैं बता दूँ, ये बात आपका एकदम सही है कि सिद्दकी साहब को भी हम लोग के नेता हैं, उनको भी तकलीफ जरूर हो रहा था, अब कोई भी आदमी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे विरोधी दल के नेता, सारे लोगों ने प्रेशर दिया, क्योंकि बिहार में जो, क्योंकि हम लोगों को ये पहले से आभास है और ये आभास था कि आने वाले दिन में हमारी सरकार बनेगी ही, हम लोग को पहले से ही कॉन्फिडेंस में थी, पहले से थे कॉन्फिडेंस में, ईवीएम सेटिंग था क्या? नो, मैं ये बताना चाहिए ATM सेट करने के लिए तो भारत सरकार होता है, हम तो कहीं सरकार में थे नहीं, अभी तो कह सकते हैं बीजेपी के आप लोगों ने नहीं, हम लोग क्योंकि जनता का उबाल, जनता की सोच, जो देखा था कि बिहार की जनता हर मामले में पिछड़ रही है, जो ये लोग कहते थे कि मैं जंगल राज का मालिक हूँ, तो मैंने ये देखा कि मैं जंगल राज का नहीं, बिहार में 46% लोग बेरोजगार हैं, जहाँ का बच्चा बेरोजगार हो, 70% लोग बिहार के अंदर और दरभंगा के यही अंदर नहीं कि जिसके रहने के लिए अपना मकान नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, क्राइम रेट बिहार में बढ़ा हुआ था, हम लोगों ने ये देखा कि हमको तो जंगल राज कर रहे थे, जबकि आपके जंगल राज का मैं बता दूं कि आज आपके हत्या हुआ 7,48,046 इस 15 वर्ष की सरकार में हुआ, आपको मैं बता दूं कि डकैती हुआ 18,620, मैं आपको बता दूं कि चोरी हुआ 4,65,620, आपको मैं बता दूं कि छीना झपटी हुआ 1,57,666, मैं आपको बता दूं कि अपहरण का मामला 1,02,173, बच्चे का किडनैपिंग हुआ 4,096, मैं आपको बता दूं बलात्कार हुआ 45,662, मैं आपको बता दूं कि बैंक का लूट, बैंक जो सरकार की जरूरत की है वहाँ लूट हुआ 1,028, रोड रैपिंग हुआ 4,348, तो आपका जो आपका भी डाटा है क्या 15 साल का पिछले वाला? 15 साल का डाटा था, मेरे डाटा को मैं जिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये रिपोर्ट नहीं है, ये जो क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पहले जो हमारी सरकार थी
15 वर्ष पहले सरकार थी उससे इसका जो डाटा है वो 33% बढ़ गया है, लॉट हमारा बढ़ा है, 33% बढ़ा है, पिछले की अपेक्षा बढ़ा है। यानी आपकी अपेक्षा बढ़ा है इसमें। तो जंगल राज के लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे बेरोजगारी है, भुखमरी है, सारा चीज है, किडनैपिंग हो रहा है, मैंने हर मामले में ये सरकार फेल्योर है, हर योजनाएं लूट खसोट का एक अड्डा बना हुआ है, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे वो हरियाली योजना हो, चाहे वो एक दो योजना नहीं, हम नहीं कहा तो खुद बड़ा नहीं, मैंने कभी नहीं सरकार बना लिए, मुख्यमंत्री उनको बना दिए, तेजस्वी को मंत्री बना दिए, प्रताप को जो है सो हेल्थ मिनिस्ट्री बना दिए, तो आप खुद कर चुके हैं ना ये बात। कैसे अच्छे हैं बाद में कैसे खराब हो गए? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने आदमी क्या होता है कि कभी कभी दूसरे को देख करके हम लोगों ने ये देखा कि इसकी जो सारी चीजें हैं बुराई हैं, ये आदमी सही है। हम लोगों ने जब हमारे यहाँ आकर भाजपा में गया तो गलत हो गया। नहीं, भाजपा में क्या नहीं, भाजपा में गलत नहीं किया, गलत इसलिए किया कि वो हमारे साथ इलेक्शन लड़े और इसके बाद राता राती बगैर कहे उन्हें पलट गए। मेरे साथ जनता ने आपको वोट दिया था लालू यादव के नाम पर, जिस तरीके से जनता ने आज दिया लालू यादव के नाम पर, कल अभी आपके नाम पर नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि नहीं, इस आदमी को मुख्यमंत्री बना करके हम लोगों को सीखना चाहिए, करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बनाया। और उनके ही प्रधानमंत्री ने 40 योजनाएं का, उनके ही प्रधानमंत्री जब वो पिछले बार 5 बजे इलेक्शन लड़ रहे थे तो 40 योजनाओं का घटोला का उन्होंने बखान किया था, मैंने ही किया था, उन्होंने जो कहा तो किया, वो किया, हार हो गया, आपका एम्स बन रहा है, एक बात किया, सड़क बना, एक बात कुछ तो बना, जल नल योजना भी तो काम हुआ, भले उसमें घोटाला वाले काम तो हुआ, कौन ओ घटोला हुआ तो हुआ, लेकिन काम तो हुआ, लोगों को तो मिला पानी, एक बात बताते हैं, जहाँ कम्युनिकेशन बढ़ता है, जहाँ आदमी का बिजनेस बढ़ता है, वहाँ आपको कम्युनिकेशन अपने आप बढ़ता है। अगर हमने पहले दरभंगा जिला को, दरभंगा में अगर जयनगर से लेकर के नेपाल तराई तक जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे का अगर ये किया तो ऑटोमेटिकली कि वो सारे योजनाएं उसकी बढ़ी, उसका काम बढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस मैन है, हवाई जहाज वाला जो जेट कर रहा होगा उसकी भी एक बिजनेस है, उसके बिजनेस को वो देखा कि दरभंगा में आज भी सरकार तो क्या ना प्रॉब्लम था, जमीन मिल रही थी, जमीन दिया सरकार ने, नहीं सरकार ने तो आज भी जो सरकार की जमीन के लिए जो उसको करना था, बिहार सरकार को जमीन देना था टैक्सी स्टैंड एंड अदर्स के लिए, वो आज भी उसको खरीद करके नहीं दे सकी है। वो तो सरकार जो हमारा राज, जो हमारी सरकार जो पहले सरकार रही है, जिन्होंने अपना एयरपोर्ट के लिए जगह दिया था, उसमें आपको एक कोना में एक जगह दिया गया, आपने अपने से चला तो लोग उसको सराह रहे, कल तो बहुत लोग गए, कल आ रहे कामी जी, मैं भी गए, मैं भी जाने वाला था, बहुत मैं भी जाने वाला था, लेकिन मुझे क्यों कुछ जरूरी था इसलिए मैं नहीं जा पाया। हाँ घाट में आपने था, अलीनगर में कितने से आप बता रहे हैं कि लीडिंग कर रहे हैं आप? वहाँ कम से कम 10,000 से ऊपर से जीते। चलिए ठीक है, आपने 10,000। गौरापुरम में क्या है? गौरापुरम में असल में क्या है कि वहाँ हमारे साथ वहाँ भी जो है तो 3 जगह वोट वहाँ त्रिकोणीय है, लेकिन त्रिकोणीय में हम डायरेक्ट फाइट में है, फाइट में इसलिए है कि हम इजहार अहमद के साथ, इजहार साहब ने कुछ वोट काटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने जो है सो इनको ही कर दिया। रतन यादव को भी आपने कहा? नहीं, रतन यादव भी, रतन आपको नहीं जानकारी हो, रतन यादव हमारे साथ साना बसाना वो वहाँ चल रहे थे, हयाघाट में दिल में चल रहा, नहीं चल रहा, शमशे आलम थे उनको, शमशे आलम से भी हमारी बात हुई, शमशे आलम भी वहाँ हमारे साथ, सभी नाराज हैं, नहीं सारे लोग एक मुठ पैर, एक पैर पे होके, चाहे वहाँ के शमीम साहब हो, चाहे वहाँ अंजार हो, चाहे ये मतलब कि कोई भी लोग थी, ये सारे के सारे लोग एकजुट होकर के जब ये देखा कि नहीं हम लोग गलत जगह हैं, और अभी जो बिहार की जनता है वो हमसे ज़्यादा नेता को कम लोग याद कर रहा था। मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आपने देखा होगा, आप बहुत जगह जाते हैं तो आप ये देखा होगा कि हमसे ज़्यादा जनता उबाल थी, जनता चाहती थी कि सत्ता परिवर्तन हो, ये जनता इसीलिए जनता उबाल करती थी कि ये देखता था कि भैया हम लोगों को इतना दिनों के बाद जो हमने पहले ख्वाब देखा था कि हम जो गरीब व्यक्ति जो हमको आगे वाली कुर्सी पर कैसे मिलना है, 10 लाख लोग को रोज, बात तो ऐसी होती है, 10 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे घर की बेरोजगारी, गौरापुरम आप हार रहे हैं ना? नहीं तो गौरापुरम मैं हर हालत में जीतूंगा, नहीं
है, लेकिन हमारी लड़ाई है वहाँ, हम वहाँ कम से कम भी 5,000 से वोट से जीतेंगे ही, नहीं हारने का। मैंने कह दिया कि मैं आपको बता दूँ मनोज जी कि मैं 200 विधानसभा में मैं कहीं हार नहीं रहा। चलिए ठीक है, ग्रामीण तो आप जानते होंगे, ग्रामीण का तो आलम यह है कि हम स्पष्ट बोले हैं कि 60% हमारा MY पड़ा है, सवर्ण वोट पड़ा है उनका पहले से भी है। असल में होता क्या है कि उन्होंने लास्ट तक कोशिश किया, क्योंकि हम लोगों के बीच के नेता रहे हैं और उन्होंने हमारे सारे घर को देखा है, कोशिश उनकी पूरी हुई, लेकिन बदकिस्मती से जो उनके कुछ नेता वहाँ चाह रहे थे मुस्लिम वोट को डिवीजन करना, नौर यादव वोट को, वो सारे लोग यूनाइट होकर के, वन साइड होकर के, एक साथ होकर के नेता को छोड़ दिया, उन लोगों को छोड़ दिया, ये कहा कि ये लोग ब्रोकर है और वोट जो है तो अपने आप लालू प्रसाद के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर और अब्दुल बारी सिद्दीकी और ललित यादव के नाम पर लोग एकाएक वो करके लोग वोट करने लगे। और नौबत ये हुआ कि हम वहाँ जीतने का जो मेरा मार्जिन होगा वो 25,000 से 40,000 से ज़्यादा होगा। हम वहाँ सबसे ज़्यादा वोट से अगर कहीं जीतेंगे तो 2-3 जगह है जहाँ क्यूटी है, ग्रामीण है, मान ये सब जगह पे जो है तो हमारे मार्जिन जीत का बढ़ना है कि हम, यानी फातमी जी फैक्टर काम नहीं करेगा। फातमी जी का हमको बहुत अफसोस होगा कि हम लोग के बीच के एक बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसे ट्रैक पर सवार हो गए कि जहाँ वो बेचारे आज जो है तो उस ट्रैक से दूर हो रहे हैं, जनता से दूर हो रहे हैं। मैं उनके लिए सहानुभूति हमारी है। तो आप जंगल राज ला रहे हैं कि मंगल राज ला रहे हैं ये बता दीजिए, क्योंकि मंगलवार तक सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो जंगल आ जाएगा या मंगल आ जाएगा? यहाँ मंगल आएगा, हर घर में खुशहाली होगी, हर गरीब के घर में थाली होगा, हर बेरोजगार के हाथ में जो है तो नौकरी होगी, हर खेत को जो है तो अच्छी व्यवस्था सिंचाई की होगी, क्योंकि हम लोगों ने कहा हर हॉस्पिटल जो मरने पर पड़ा हुआ है, आप क्योंकि आप खुद उसमें ये हैं, मैं भी आपके साथ रहा हूँ, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल का क्या दुर्दशा है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि आने वाले दिन में हमारा जो सोच है कि हर आदमी को एजुकेशन मिले, हर आदमी को अच्छी सब्जी मिले। तो चलो हमारे साथ सिन्हा जी, एक अंतिम महत्वपूर्ण सवाल, मुस्लिम भटक क्यों रहे हैं? मुस्लिम का कोई मुस्लिम ऐसा नेता नहीं है जो उसको एकाग्र करता रहे, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के साथ प्रत्याशी, क्या लगता है? अल्पसंख्यकों का कोई अपना नेता नहीं होता जो उन लोगों को सीधे कमांड कर सके? कभी किसी को ऋषि मिश्रा के टिकट की बात हो जाती है उस क्षेत्र में जबकि अल्पसंख्यक ज़्यादा रहते हैं, तो क्या इस तरह का अभी तक अल्पसंख्यक भटक रहा है, उसको कोई सही नेता नहीं मिल पा रहा है? एक्चुअली होता क्या है सर, आपका ये सवाल को छोड़कर, ये सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ असल में है क्या कि हमारे हर घर में एक दूसरे को लोग लीडर मानने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि ये कौम जो है तो भटक जाती है। लेकिन मैं बता दूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो सोच है, जो विचार है, वो आज भी सेकुलरिज्म के नाम पर हम लोगों को जो सही रास्ता नुमाइंदगी देता है, हम लोग उसके साथ रहते हैं। और ख़ास करके दरभंगा में, दरभंगा और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने हर एक दूसरे लीडर से, चाहे वो अखिलेश का जो भी लीडर रहा हो, उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे बिहार के अंदर जो बिहार का पोजिशन ये था सर कि आज 30 वर्ष पहले, क्योंकि आज का नौजवान नहीं समझेगा, लेकिन जो 30 वर्ष पहले रहा होगा, जो छुआछूत की प्रथा थी, जहाँ गरीब गुरबा का को मान सम्मान नहीं था, जो बेरोजगारी के अगर मामला बहुत सारा चीज था, तो उसमें ये देखा कि लालू प्रसाद यादव वो आया और कहा कि नहीं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, चाहे वो हरिजन हो, उसके मान और सम्मान के लिए, उसकी आवाज़ के लिए अगर कोई लड़ा तो उसका नाम था लालू प्रसाद यादव। और आज भी भले आप कह रहे हो कि मुस्लिम का कोई लीडर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, मुस्लिम का रहनुमा है, ओबैसी छोड़ करके नहीं है, ये हमारा कहना नहीं। मैं आप ओबैसी क्या है, ओबैसी जस्ट लाइक वो हमारे और हमारी सरकार के खिलाफ में किसी को मुसलमान की जज्बात को खेल कर करके और किसी कम्युनल फोर्स को मजबूत किसी तो उन्होंने वोट काटा, वोट लिया किसी को करके और किसी को जज्बात को खेल करके आप आगे बढ़ जाइए, ऐसा नहीं है।
हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म मुल्क है, हिंदुस्तान में हर शहरी का अपना अपना अधिकार है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान मंगलवार से इनका कहना है। और हम बता दें हमारे साथ चुना जी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी के खास आदमी हैं और दरभंगा के सभी विधानसभा क्षेत्रों का इन्होंने निरीक्षण किया है। इनके हिसाब से दरभंगा के जो विधानसभा 10 विधानसभा हैं जिसमें से 7 पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। इनका कहना है कि 7-7 हम जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। तो हम इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कि क्या स्थिति है, क्या करें। लेकिन जो बढ़त बता रहे हैं मिथिला मस्जिद का जो सर्वे है कि 7 विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं, 3 विधानसभा में NDA हैं, लेकिन एक जगह मामला कहां फंसा हुआ है वो हम दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर। यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना। धन्यवाद।